हेलो किड्स आर यू होप यू आर फाइन एंड सेफ एम ऑल्सो फाइन किड्स कैन यू सी हियर यस या है ना यहाँ पर क्या है एक बहुत प्यारी सी पिक्चर है इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है ओके बुल्स कार्ड फील्ड हिल्स वेरी नाइस हट ऑल्सो ट्रीज वेरी गुड किड्स सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक यू अ फार्म ठीक है फार्म फार्म हम किसे कहते हैं जहाँ हम खेती भी करते हैं सब्जियाँ भी उगाते हैं फल भी लगाते हैं जानवर भी पालते हैं ठीक है तो मैं आज आपको एक फार्म हाउस लेकर चलती हूँ और ये पता है ये फार्म हाउस किसका है मोना का सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड द लेसन लेसन नंबर नाइन मोनाज फार्म लेट्स रीड द लेसन मोनाज फादर हैज अ फार्म इन दिलेज मोना टेक हर फ्रेंड बाला टू द फार्म अंडे मोना के पिता का गांव में एक छोटा सा फार्म हाउस था मोना अपनी फ्रेंड बाला को लेकर एक रविवार को अपने फार्म हाउस पर गई आप चित्र में देख रहे हैं दोनों सहेलियां फार्म हाउस पर हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो सहेलियों का कन्वर्सेशन है कन्वर्सेशन इज बातचीत है ना दोनों सहेलियां आपस में बातचीत कर रही हैं तो पहले मोना ने कहा मोना वॉट इट मोना सेट लुक बाला दिस इज अवर फार्म दीज आर अवर फील्ड्स मोना ने अपनी सहेली बाला को बताते हुए कहा कि यह हमारा फार्म है और ये जो है हमारे खेत हैं ओके बाला अब बाला ने सारी चीज़ें देखी और मोना से प्रश्न किया वॉट डू यू ग्रो हियर तुम यहाँ क्या उगाते हो मोना ने कहा वी ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट राइस ग्रैम एंड वेजिटेबल्स हम यहाँ पर फसलें उगाते हैं और वे फसलें कौन कौन सी हैं वीट यानी गेहूँ राइस यानी चावल ग्रैम यानी दालें और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां तभी मोना ने अपने डॉग की तरफ इशारा करके कहा सी दैट इज माई डॉग मोना ने बताया कि वह हमारा कुत्ता है बाला ने फिर प्रश्न किया वॉट इज इट्स नेम मोना आंसर्ड आई कॉल हिम शेरू है ना मोना ने उत्तर दिया मैं उसे क्या कहकर बुलाती हूँ शेरू कहकर बुलाती हूँ दीज आर अवर काउस दैट इज देर शेड फिर मोना ने अपनी गायों की तरफ इशारा किया और बाला को बताया कि दीज आर अवर काउस ये हमारी गाय है और दैट इज देअर शेड और वह उनका शेड है शेड किसे कहते हैं बच्चों जहां पर गाय बैल बकरी इन्हें रखा जाता है ठीक है बाला अगेन बाला आज हाउ मैनी काउ्स डू यू हैव बाला ने पूछा तुम्हारे पास कितनी गायें हैं? मोना सेड वी हैव सिक्स काउस एंड फोर ब्लॉक्स मोना ने आंसर किया हमारे पास छह गायें हैं और चार बैल हैं। बाला ओह लुक एट द स्विंग ऑन द ट्री तभी बाला ने पेड़ पर लटकता हुआ एक झूला देखा और बहुत ही एक्साइट होकर कहा ओह oh, लुक एट द स्विंग उस झूले की तरफ देखो जो कहा पर है ऑन द ट्री पेड़ पर है मोना ने कहा यस दिस इज माई स्विंग कम वी शैल स्विंग फॉर समाइम मोना ने बड़े ही मुस्कुरा कर जवाब दिया दिस इज माई स्विंग यह मेरा झूला है कम वील वी कम वी शेल स्विंग फॉर समाइम चलो हम कुछ देर के लिए झूला झूलते हैं बाला ओह दैट विल बी सो नाइस और बाला बहुत खुश हुई एंड शी सेड यह तो बहुत अच्छी बात है झूला झूलने के बाद मोना अपनी सहेली के लिए कुछ लेकर आई व्हाट शी ब्रॉट हियर आर सम फ्रेश टोमेटोस पीज एंड बीन्स फॉर यू मोना ने कुछ टमाटर पी यानी मटर और बीन्स यानि बरबटिया बाला के लिए लेकर आई बाला थैंक यू मोना योर फार्म इज लवली आई एम हैप्पी टू हैव कम हियर इट इज सो क्वाइट एंड एवरीथिंग लुक्स ग्रीन एंड ब्यूटीफुल आई लव इट और बाला फार्म आकर बहुत खुश हुई थी उसने मोना से कहा थैंक यू मोना मोना ने उसे गिफ्ट दिया था ना उसने फिर आगे कहा योर फार्म इज लवली तुम्हारा फार्म बहुत सुंदर है बहुत प्यारा है आई एम हैप्पी टू हैव कम हेयर और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई इट्स सो क्वाइट एंड एवरीथिंग लुक्स ग्रीन एंड ब्यूटिफुल यहाँ बहुत शांति है और यहाँ चारों तरफ क्या दिखाई दे रही है हरियाली दिखाई दे रही है और यह बहुत सुंदर है आई लव इट मुझे यह बहुत प्यारा लगा मोना प्लीज कम अगेन और मोना ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया हाँ बाला में अक्सर यहाँ आती हूँ और तुम भी फिर से यहाँ आना सो होप किस यू लाइक द कन्वर्सेशन ऑफ द फ्रेंड्स है ना यहाँ पर हमने कुछ नए वर्ड्स भी सीखे हैं सो so, क्या नए वर्ड्स सीखे हैं दैट इज फॉर्म फार्म यानी मैंने आपको शुरू में ही बताया वह जगह जहां हम खेती बाड़ी दोनों करते हैं राइट फील्ड फील्ड यानी खेत स्विंग स्विंग एज यू नो झूला आप भी झूला झूलते होंगे ब्लॉक्स यानी बैल विलेज विलेज इज गाउन ऑफन ऑफन यानी अक्सर लवली लवली यानी प्यारा अगेन अगेन यानी फिर से या दोबारा प्लीज प्लीज यानी कृपया सो किड्स अब आपने कन्वर्सेशन भी सुन लिया फार्म हाउस भी घूम लिया नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम ठीक है अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी एंड यू हैव टू आंसर मी ओके सो रेडी क्वेश्चन नंबर वन इज वेयर डिड मोना टेक हर फ्रेंड मोना अपनी दोस्त को लेकर कहा गई कहा गई ये yes. मोना टूक हर फ्रेंड टू हर फार्म मोना अपनी दोस्त को लेकर अपने फार्म पर गई क्वेश्चन नंबर टू इज वेड शी शो हर एट द फार्म और मोना ने अपनी फ्रेंड बाला को अपने फार्म में क्या क्या दिखाया क्या क्या दिखाया रिमेम्बर यस शी शो डॉग काउस ब्लॉक्स दे आर शेड स्विंग है ना एंड सो मैनी अदर थिंग्स उसने अपनी फार्म पर अपना झूला दिखाया अपने खेत दिखाए अपनी गाय दिखाई अपना अपने बैल दिखाए और उनके रहने की जगह भी दिखाई और भी बहुत सारी चीजें दिखाई ओके सो क्वेश्चन नंबर त्रेस वॉट डेड दे सी

पीज मटर टमा टमाटर और बींस यानी बरबटियां किस को दी अपनी फ्रेंड बाला को दी क्वेश्चन नंबर फाइव इज वट डू दे ग्रो ऑन द फार्म वो फार्म पर क्या क्या उगाते हैं रिमेंबर न यस

सही शब्द को चुनकर भरना है ओके okay? सो so, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं उसके बाद हम इसको आंसर करेंगे आई ब्लैंक अ स्टूडेंट माई नेम ब्लैंक शंकर दिस ब्लैंक मदन वी ब्लैंक फ्रेंड्स दीज ब्लैंक ट्रीज दे ब्लैंक वेरी टॉल सीता मीरा एंड गोविंद ब्लैंक Playing under the mango tree. So now put the correct word. And what are the correct words? I am a student. My name is Shankar. Very good. This is Madan. We are friends. These are trees. They are. वेरी टॉल सीता मीरा एंड गोविंद आर प्लेइंग अंडर द मैंगो ट्री रिमेंबर जहां पर सिंग्यूलर नंबर है आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा और जहां पर प्लूरल नंबर है वहां पर आप आर का प्रयोग करेंगे ओके सो आई हैमवर्क फॉर यू ना ओके

और इन सर्वनाम को आपको सही जगह पर यूज करना है ओके नंबर वन आई हैव डन फॉर यू दिस इज माई बुक इट इज अ स्टोरी बुक है ना दिस इज मैंने यहां पर माई लगाया हुआ है बुक इसी तरह आपको आगे करना है नंबर टू इज मोना एंड बाला आर माई फ्रेंड्स They gave me blank twice. Number three is we are students, that is blank school. Number four is she is a student, blank name is Bala. Number five is he is my brother, blank name is Mohit. Number five is you must complete blank homework first. Okay, kids. So, hope you enjoyed the class. We'll meet again. Till then, bye. Take care.